हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एमफेसिस लिमिटेड के बारे में। मैं बहुत टाइम से स्टॉक के ऊपर बुलिश हूं। रिसेंटली स्टॉक ने 2800 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया था। सभी ने इसके ऊपर बहुत ही बेयरिश कमेंट किया था, बट आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 2800 के आसपास है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने की उम्मीद है, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। माइंड की हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, एम्फेसिस हो गया, सभी ने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी अभी भी जिस रेंज पे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एम्फेसिस आई थिंक इसने अपने बॉटम बना लिए, अभी सबको बाय करने, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 3600 है, एवरेज ब्रोकरेज टारगेट भी वहीं पे। सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। एंड देर आर ऑल्सो मेनी अदर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट टू बाय। प्राइस टू एनी बिलो 40-38 के आसपास है, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नाउ विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम सबसे पहले जानेंगे रिजल्ट जो कि यस्टरडे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। एंड रिजल्ट में कंसोलिडेटेड नंबर को अगर आप देखोगे, एज यू कैन सी रेवेन्यू 3316 करोड़ है वर्सेस 3115 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, 577 करोड़ वर्सेस 553 करोड़। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 392 करोड़ वर्सेस 357 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का जो प्रॉफिट था 316 करोड़ था। यानी आप देख सकते हो कंसिस्टेंट ग्रोथ ईच एंड एवरी क्वार्टर में इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिखाया। एंड जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे, 400 करोड़ ऊपर होता तो और भी मजा आ जाता, बट जिस रेंज पे स्टॉक है आई डोंट थिंक सो ये सब बहुत नीचे आएगा तो आपको एक्युमुलेट करना है। अगर आपके पास 100 रुपीज है टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट मिनिमम 50%, उससे ज्यादा भी आप लगा सकते हो। डिपेंड आपका हॉरिजन कितने टाइम का है। अगर आपका हॉरिजन एक साल के ऊपर का, आप 100% अभी लगा तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई लॉस होने वाला है फ्रॉम हेयर। सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड दिस इज द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर Q4 2022। नाउ अगर हम टेक्निकल्स की तरफ मूव करें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम RSI MFI कहते हैं। 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, 70 के ऊपर ओवरबॉट। RSI में एक्जैक्टली 30 के आसपास है एंड MFI में ऑलरेडी स्टॉक ओवर सोल्ड है 26.8। सो RSI में 30 या से नीचे आना ये दिखाता है कि बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ऑल दो US मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल, वहां पे भी NASDAQ में हमने रिसेंटली करेक्शन देखा, जिस कारण इंडियन IT कंपनीज में भी हमने करेक्शन देखा। बट स्टॉक लाइक इन्फोसिस जो 1500 के लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड मिड कैप IT में अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर है। स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, टाटा इलेक्साई, L&T, इन्फोटेक एंड इंक्लूडिंग एम्फेसिस, सारे स्टॉक के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे, रिजल्ट्स आर ऑल्सो गुड। कोफोर्ज का रिजल्ट अभी आना बाकी एंड दिस कंपनी विद ऑल्सो आउट परफॉर्म, देयर इज नो डाउट ऑन दिस। रिजल्ट से पहले डेफिनेटली बाय करना है। सो परसिस्टेंट सिस्टम ने ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, आप उसमें भी मूव कर सकते हो। एंड अगर हम इस एम्फेसिस के बारे में देखें, सो यहाँ पे RSI MFI में स्टॉक तो क्लियरली बाइंग का सिग्नल दे रहा है। अगर हम इसका 100 या 200 है सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, प्रेजेंटली स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे जो है 3000 के ऊपर, यानी टेक्निकली जो एक बेयरिश साउंड करता है, बट डेफिनेटली जिस तरह का परफॉर्मेंस है विद इन अ शॉर्ट टाइम ये 3000 तोड़ेगा, जिस दिन ये 3000 तोड़ेगा सभी के चार्ट पे बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल भी आएगा। अगर हम इस स्टॉक का 1 वीक लो देखें, ऑलमोस्ट 2700 है, वहां से आज स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर। यस्टरडे भी स्टॉक ने निचले लेवल से थोड़ा बाउंस बैक दिखाया, सो जो बॉटम है यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई को देखें, सो डेफिनेटली 1 मंथ पहले भी 3500 के करीब स्टॉक था। सो जिस लेवल से स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, 20% से ज्यादा स्टॉक ने ऊपरी लेवल से करेक्शन दिखाया, सो दिस इज द मस्ट बाय जोन अकॉर्डिंग टू मी। सपोर्ट कहाँ पे 2800 आपका मेक और ब्रेक लेवल है, एंड रिसेंटली स्टॉक ने 2700 टच किया। आई थिंक इट्स अ बॉटम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इससे नीचे आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक जाएगा। एंड इसका जो रेंज है वो 3500-3600, तो वहां तक तो मिनिमम स्टॉक जा सकता है। हालांकि इस ईयर 4000 तक का मूवमेंट भी ये स्टॉक दे सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो डेफिनेटली एज आई सेड 2800-2700 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड रेजिस्टेंस है 3000 एंड उसके ऊपर 3200-3500। नाउ अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीयर्स ग्रुप में जितने भी कंपनीज है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, और नो TCS इज द नंबर वन कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट अगर हम IT कंपनीज को टोटल देखे, सो एज यू कैन सी एम्फेसिस उसमें एक नंबर पे आता है, क्योंकि एम्फेसिस का जो करेंटली मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 52,903 करोड़ है, उसके ऊपर है माइंडट्री। सो डेफिनेटली नीचे है टाटा इलेक्स है ऑलरेडी उसने आउटपरफॉर्म किया है, बट जिस स्टॉक का आउटपरफॉर्म करना बाकी है उसमें मैं वेरी बुलिश हूँ एम्फेसिस एंड माइंडट्री को लेकर, क्योंकि दोनों कंपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है। परसिस्टेंट सिस्टम अपने सपोर्ट से
थोड़ा ऊपर चला गया, 3800-4000 इसका सपोर्ट था। सो रिजल्ट के बाद इसने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया। सो जो दो स्टॉक एकदम सपोर्ट के करीब है, माइंडफ्रेंड एम्फेसिस एंड एक हो गया कोफर्स, कोफर्स का रिजल्ट आना भी बाकी है, बट इन दोनों स्टॉक्स का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इंक्लूडिंग एलएनटी इंफोटेक जिसका रिजल्ट भी अच्छा था 5000 के नीचे, ये भी अच्छा लगता है। सो एट दैट मोमेंट अगर आपको बाय करना है, मेरा फेवरेट स्टॉक जो है माइंडफ्रेंड एम्फेसिस एंड टेक महिंद्रा, जिसने भी 1250 के लेवल को रेस्पेक्ट किया है एंड 1250 के करीब फिर से आता है। सो आपको वहां पे भी स्टॉक को बाय करना है। सो दीज आर द पेयर्स कंपैरिजन। सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, सबसे लास्ट में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको भी आपको जानना है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखाता है प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है, जो कि 55.8% है। उसके बाद आता है एफआई होल्डिंग 21% एंड म्यूचुअल फंड का 13%, पब्लिक होल्डिंग 5% एंड अदर्स 4.6%। आफ्टर प्रोमोटर्स एफआई का बहुत ही बड़ा रोल है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एफआई का बाय और सेलिंग से प्रेशर आता है। सो ओवर द क्वार्टर हम देख सकते हैं एफआई ने कितना ज्यादा सेल ऑफ किया। सो जब एफआई बाई करेगा तब ये स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सारे स्टॉक में बाइंग आएगा। सो अगर आपको एक स्टॉक को लेने में थोड़ा डर लगता है, आप दो तीन स्टॉक का बकेट बना के बाई कर सकते हो, जिसमें मस्ट बाई स्टॉक है माइंडट्री एंड एम्फेसिस, उसी के साथ साथ आप कोफोर्स की तरफ भी जा सकते हो। सो दीज आर माई रिकमेंडेशन, ऑल्दो बिफोर बाइंग और सेलिंग इन स्टॉक आज के सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के ऊपर बनाया गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।